दिल्ली में 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, लेकिन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन और पूर्व सीएम शीला दीक्षित के खेमों में जंग जारी है। दिल्ली कांग्रेस की इस अंदरूनी लड़ाई के बारे में बता रहे हैं गो न्यूज संवाददाता आदेश रावल। दिल्ली में किसी भी वक्त 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में राहुल गांधी ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं अजय माकन को कि वो सभी कांग्रेस के लोगों से बात करें और सबको एक मंच पर लेके आए। अजय माकन ने शीला दीक्षित से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात नहीं हो पाई, शीला ने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शर्मिष्ठा मुखर्जी ने मध्यस्थता की और दोनों के बीच बात हुई और दोनों की मुलाकात भी हुई। ऐसे में शीला दीक्षित के कैंप के 6 लोग थे जिनको AICC डेलीगेट बनाना था, उनके नाम माकन ने काट दिए थे। शीला दीक्षित ने एक बार फिर कहा कि अगर सबको साथ लेके नहीं चलोगे तो मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती। उसके बाद कल रविवार को दिल्ली के प्रभारी PC चाको और अजय माकन एक बार फिर शीला दीक्षित के पास गए और उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके लोगों को एडजस्ट कर सकें। दरअसल राहुल गांधी चाहते हैं कि 15 साल में जो काम कांग्रेस ने दिल्ली में किया है उसके बारे में लोगों को बताए, क्योंकि शीला दीक्षित की जो क्रेडिबिलिटी है वो आज भी बाकी नेताओं से ज़्यादा है दिल्ली में।